जब भी आप सीएस रैंक स्टार्ट करते हो तो आपके सामने सीएस रैंक में नेक्स्ट्रा मैप आ जाता है, तो फिर आप सोचते हो कि नेक्स्ट्रा मैप में हम कैसे खेलेंगे। तो देखो यार, आपको ऐसा जैसा सीक्रेट प्लेस बताने वाला हूँ कि उस प्लेस पे आप हाइड होकर बहुत इजी से एनिमी को किल कर दोगे एंड अपने रैंक को बहुत इजी से पुश कर पाओगे। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करने में देरी के। सो फ्रेंड, फर्स्ट वर्क करता है रोज टाउन पे एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सीक्रेट बताने वाला। देखो यहाँ पे सिंपल से आपको बैठ जाना है एंड यहाँ पे आप लॉन्ग रेंज को लेकर आ जाना एंड यहाँ पे बैठ कर आप यहाँ पे देख सकते हो किस साइड से बंदा आ रहा है, किस साइड से नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे देखो, मैं दो बंदे को बहुत इजी में आते ही मैंने बहुत इजी से दो बंदों को किल कर दिया हूँ एंड यार आप भी बहुत इजी से किल निकाल दोगे। एंड यहाँ पे देखो, आपको कोई बंदा बिल्कुल भी नहीं देखेगा एंड आपके पास फुल हिडन प्लेस भी रहेगा, आपके पास फुल कवर रहेगा। एंड यहाँ पर अगर बहुत इजी से हाइड हो जाए तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बहुत इजी से हाइड हूँ एंड मुझे कोई बंदा बिल्कुल भी नहीं देखेगा क्योंकि यार मुझे बहुत ज़्यादा कवर मिल जाता है। एंड यहाँ पर देखो, लास्ट में एक बंदा जो बच जाता है वो मेरी टीममेट किल कर देते हैं एंड यार बहुत इजी में विक्ट्री भी हो जाता है। सो फिर चलिए नेक्स्ट के ऊपर। सो फिर नेक्स्ट वर्क करता है हमारे रूस टाउन पे एंड यहाँ पे देखो, रूस टाउन पे जब इस साइड स्पोन होते हो तो आपको सिंपल से रन करते करते आपको फटाक से इस साइड पे आ जाना एंड यहाँ पे जो टायर ना फटाक से टैप पर जंप करके फटाक से जो स्टेयर है फटाक से स्टेयर के पास में आ जाना क्योंकि यार अभी बंदे आते ही होंगे एंड जो बंदे आते होंगे फटाक से हेडशॉट दे सकते हो एंड बहुत ईजी हेडशॉट देकर बहुत ईजी उनको डाउन भी कर सकते हो। जैसे कि ये वाले प्लेस में देख सकते हो, दो बंदे बहुत ईजी आते ही हेडशॉट दे दिया हूँ एंड ये बंदे बहुत ईजी से डाउन भी हो चुके हैं। पहले तो यार कन्फर्म किल मैं अपने कर लूंगा क्योंकि अगर मैं रैंडम प्लेयर के साथ में खेलता हूँ एंड पता नहीं रैंडम प्लेयर मेरे बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो यार उससे पहले कभी भी रैंडम प्लेयर के साथ में खेलते हो तो अपना किल कन्फर्म जोर से कर लेना। एंड यहाँ पे तो थोड़ा बहुत मैं लूट कर लेता हूँ क्योंकि यार मेरे पास कॉइन नहीं थे तो इसलिए मैंने आइटम को बाइंड नहीं किया था। फिर मैं एडियो को थोड़ा बहुत चेकअप कर लेता हूँ, एडियो को चेकअप करने के बाद मुझे मिल जाते हैं शॉट गन एंड शॉट गन वो 3 बुलेट वाले शॉट गन मिल जाते हैं। फटाक से मैं रनिंग करता हूँ एंड रनिंग करते करते मैं सिंपल से ये वाले प्लेस के ऊपर आ जाता हूँ एंड ये वाले प्लेस के ऊपर जैसे मैं आता हूँ तो सिंपल से यहाँ बैठा रहता तो एक बंदा और रहता है रनिंग कर रहा हूँ, फटाफट यार हेडशॉट देता हूँ, नहीं बॉडी शॉट देता हूँ एंड ये बंदा बहुत इजी से डाउन हो जाता है। लास्ट में एक बंदा बच जाता है, भाई मैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था यार भाई कुछ ही मत। यहाँ पे सिंपल से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से इसको जंप करके आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था यार, मैं समझ रहा था यार अब तो कुछ नहीं, बहुत इजी मैच विन कर लूंगा एंड इसे मैं इधर उधर कहीं भी यहाँ पे रॉकेट फायर कर रहा था एंड यहाँ पे देखो मैं सिंपल से नीचे गिर जाता हूँ। फिर मैं गिरता हूँ तो यार मुझे मेरे ऊपर ये बंदा रस कर देता है एंड जैसे मेरे ऊपर रस करता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रॉकेट फायर करता हूँ एंड ये बंदा 56 का डैमेज पड़ता है एंड ये बंदा एक और बार 56 का डैमेज पड़ता है एंड मेरा टीममेट बहुत इजी से किल कर दिया एंड बहुत इजी यहाँ पे विक्ट्री कर लिया। सो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट के ऊपर। सो फ्रेंड नेक्स्ट वो करता है यूएल प्लेस पे एंड यहाँ पे देखो, जिस साइड में स्टेयर होगी उसी साइड में आप आना एंड देखो स्टेयर का आओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखो आपको यहाँ पे सिंपल जाकर बैठ जाना है एंड यहाँ पे देखो उस साइड में बंदे अभी तक आ गए होंगे एंड देखो ये बंदा रस करता है, फटाफट हेडशॉट देता हूँ एंड ये बंदा बहुत इजी से डाउन हो जाता है एंड एक बंदा और आता है तो एक और हेडशॉट देता हूँ एंड ये बंदा और भी इजी से डाउन हो जाता है एंड जैसे ये बंदा डाउन होता है तो यार मेरी टीममेट आगे से भी रस कर देती है एंड यहाँ से मैं पीछे से रस करने के लिए आ जाता हूँ एंड फटाफट लगातार मैं 3 बंदों को बहुत इजी से डाउन कर देता हूँ एंड मैं बूस्ट बन जाता हूँ, इस बंदे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है एंड इस बंदे को बहुत इजी से कल के क्वार्टर किल कर देता हूँ एंड बहुत इजी में विक्ट्री भी हो जाता है। सो फिर चलिए नेक्स्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट वो करता है हमारे ये वाले प्लेस के ऊपर एंड यहाँ पे आपको मिनिमम 3 ग्लोव का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं ग्लोव सेटअप कर रहा हूँ ना, आप भी सिंपल से ग्लोव सेटअप कर लीजिएगा एंड ये ट्रिक बहुत बहुत ज्यादा इजी तरीके से वर्क कर देगी एंड ये वाला ट्रिक आप जब यूज कर लोगे तो बहुत ज्यादा कवर में रहोगे एंड बहुत इजी आप बंदों किल कर पाओगे। आपको यहाँ पे फटाफट रनिंग करना है, रनिंग करने बट फटाक से ग्लोव पर जंप करके आ जाना एंड ग्लोव पर जंप करने के बाद आपको स्कोप ओपन करके फटाफट ग्लोव पर जंप करना एंड फटाफट ये वाले प्लेस पे आ जाना एंड जैसे प्लेस पे ये वाले प्लेस पे आओगे तो एक बार और जंप करना, एक बार और जंप करने के बाद ये वाले प्लेस पे आकर बैठ जाओगे एंड यहाँ पे कोई भी अंदर बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेगा एंड यहाँ पे आने के बाद बहुत इजी बिजी बंदों किल कर सकते हो एंड यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा व्यू मिल रहा है एंड बहुत इजी बंदों किल कर दोगे एंड आपको यहाँ पे देख सकते हो बहुत इजी मैं यहाँ पे कवर में हूँ एंड बहुत इजी बिजी अपने टीममेट को फुल सपोर्ट भी दे रहा हूँ एंड यहाँ पे देखो मैं फुल बंदों को डैमेज कर रहा हूँ एंड मेरे जो टीममेट है उनके ऊपर रश करके बहुत इजी से किल भी कर दे रहे हैं। एंड गाइस ये वाले प्लेस पे आ जाते हो तो ज्यादा से इधर उधर मत हिलना, नहीं तो आप नीचे भी गिर सकते हो एंड लास्ट में एक बंदा बचा था, इस बंदे को बहुत इजी मैंने किल कर दिया एंड यहाँ पे हमारे बहुत इजी से विक्ट्री भी हो चुका है। सो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट के ऊपर। सो फ्रेंड नेक्स्ट वर्क करता है हमारे ये वाले प्लेस के ऊपर बट यहाँ पे देखो आप यहाँ पे कभी भी आप लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज गन को लेकर आ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बट यहाँ पे आप ऐसे देख रहे, मैं आपको कैमरा एंगल करके चेंज करके दिखा देता हूँ। देखो ये वाले प्लेस पर अगर बंदा हो ना तो बिल्कुल भी ये वाले प्लेस से मत आना, नहीं तो ये वाले प्लेस पर आओगे तो बहुत इजी से किल हो जाओगे। एंड यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कवर में था एंड यहाँ पे मुझे कोई बंदा बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहा था, कोई यहाँ पे बंदा बैठ सकता एंड यहाँ पे देखो एक मैंने किल कंफर्म कर लिया था एंड एक और एनिमी आ जाता है, फटाफट इस बंदे को बहुत इजी से आप में किल कर देता हूँ एंड ये भी बंदा बहुत इजी से डाउन भी हो जाता है।
है एंड लास्ट में एक और बंदा बच जाता है जो कि यार यहाँ पे देखो मैं बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था एंड मेरे टीममेट बहुत ही से रस करके बहुत ही से उसको किल कर दिया एंड यहाँ पे बहुत ही से विक्ट्री भी हो चुका है। सो फ्रेंड नेक्स्ट गेम, सो फ्रेंड नेक्स्ट वर्क करता है मेरे ईएल प्लस के ऊपर एंड यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे बैठना ही है एंड जहाँ पे देखो ये जो सामने जो एनिमी रनिंग करके आते फटाफट उन्हीं बंदों को बस आपको डाउन करना है एंड बहुत ईजी से आप डाउन कर दोगे एंड यहाँ पे बैठे हुए रहोगे ना तो कोई बंदा बंदा नोटिस नहीं करेगा, जब तक वो नोटिस करेगा तो उनको बंदों को बहुत ईजी सब किल कर दोगे एंड बहुत ईजी यहाँ पे देखो मैं विक्टर भी हो चुका है। सो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट के ऊपर, तो फ्रेंड नेक्स्ट आपको नेक्स्ट मैप को टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि नेक्स्ट मैप को हर एक राउंड को कैसे विन करोगे। देखो नेक्स्ट मैप पे जब भी आते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटो का यूज मत करो एंड देखो जितना नेक्स्ट मैप हमारे लिए न्यू है मैप है उतना ही एनमी के लिए न्यू मैप है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि हम हमसे ज़्यादा अच्छा एनमी खेल रहा है, आप लोग ये सोचो कि हम एनमी से ज़्यादा अच्छा खेलेंगे एंड हम मैच को बहुत ईजी विन निकालेंगे। देखो मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं था बट यहाँ पे मैं फुल कॉन्फिडेंस में चल रहा था एंड तभी मैं दो बंदों को बहुत ईजी में डाउन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ये सोचता हूँ ना कि देखो जितना न्यू मेरे लिए मैप है ना उतना ही या न्यू इन एनमी के लिए है एंड वही एनमी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे जब आप ये सोचोगे कि ये नेक्स्ट मैप हमारे लिए न्यू है हम यहाँ पे कैसे खेलें। देखो कैसे खेलने की बात नहीं, आप यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेलो एंड यहाँ पे देखो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में खेलता हूँ तो अभी यहाँ पे मैं क्वार्टरा किल कर देता हूँ एंड क्वार्टरा किल के साथ बहुत ईजी विक्टर भी कर लेता हूँ। तो देखो यार ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बिल्कुल नहीं सोचो कि हमारे लिए जो नेक्स्ट मैप है वो हमारे लिए न्यू है एंड एनमी के लिए न्यू नहीं है। देखो जो आपके लिए न्यू है वो आपके एनमी के लिए भी न्यू है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में खेलो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर मत खेलो। एंड गाइस और भी नेक्स्ट मैप के हिडन प्लेस देखना चाहते हो तो देखो हमारे चैनल बहुत ज्यादा क्लास स्क्वाड हिडन प्लेस पड़ी हुई है जो कि नेक्स्ट मैप के ऊपर भी है एंड यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो एंड यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जैसे कर लेना एंड इस वीडियो को पार्ट एंड आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जरूर से कमेंट कर देना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जैसे कर दे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करो लाइक जैसे कर दो एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I played it in a sense, a feel of discontent, I finally